हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा केबीबी का सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हो एक एप्लीकेशन के थ्रू से। उस एप्लीकेशन का नाम है केबीबी डी लाइट। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। क्या इसका प्रोसेस, किस तरह से आपको ओपन करना है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो केबीबी का अकाउंट है, ये सभी स्टेट में नहीं हो रहा है, कुछ कुछ स्टेट में हो रहा है, तो बाद में आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा। तो उसके लिए आपको जो है कि ब्रांच में जाके विजिट करना होगा। बाद में कमेंट्स में मत बोलना कि यार अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। इसके लिए अगर आपका स्टेट में नहीं होगा ओपन, तो आपको इसके लिए ब्रांच में विजिट करना होगा। तो आपको किस तरह से ओपन करना है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ केबीबी लाइट, देन आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही यहाँ पे आपको फर्स्ट में ये एप्लीकेशन दिख जाएंगी केबीबी लाइट मोबाइल बैंकिंग। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मेरा अभी आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है, जो कि यहाँ पे 23 MB का है ये एप्लीकेशन। तो चलिए, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है और यहाँ पर अभी इंस्टॉलिंग में है। तो चलिए मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ इंस्टॉल होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे वेट करता हूँ इसको ओपन होने का। सो गाइस, ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे योर इंस्टेंट सेविंग अकाउंट इन जस्ट 3 स्टेप्स, यानी कि 3 स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है, आपका अकाउंट जो कि ओपन हो जाएगा इंस्टेंटली। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन और उसके नीचे आपको दिखेंगे ओपन ए डी लाइट सेविंग अकाउंट। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे यू आर अबाउट ए ओपन ए न्यू सेविंग अकाउंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे येस पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, येस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। सो गाइस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक आउट कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और आपके आधार कार्ड के साथ कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जिसके ज़रिए आपका eKYC होगा OTP के थ्रू। देन उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है और इस बॉक्स में आपको टिक आउट ही रहने देना है इस बॉक्स में। तो मैं यहाँ पर टिक आउट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, और यहाँ पे आपको ईमेल ID एंटर करना होगा। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID इंटर करना होगा। तो चलिए मैं अपना ईमेल ID यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID इंटर कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे OTP कोड भेजा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे इंटर करना होगा अपना OTP कोड। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ OTP कोड आने का। तो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP कोड आ गया है। तो चलिए मैं अपना OTP कोड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन OTP कोड फिल कर लिया है। अगर आपको OTP कोड नहीं मिलती है, तो यहाँ पे रिसेंट OTP पे क्लिक करके अपने OTP कोड को दोबारा से मंगा सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इस बॉक्स में टिक आउट कर देनी है।
देन उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर करना होगा। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर दिया है। देन यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर इंटर करना है। तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन बिलोंग। तो आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप इंडिया में हो तो यहाँ पे ऊपर में टिकआउट रहने दे, अगर आप इंडिया से बाहर हो तो नीचे में भी टिकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड भेजा जाएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो उस ओटीपी कोड को यहाँ पे इंटर करके आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और ये ओटीपी कोड जो है ये 10 मिनट के लिए ही वैलिड है। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ ओटीपी कोड आने का। तो मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड आ गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ अपना ओटीपी कोड। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी कोड एंटर कर दिया है। अगर आपको ओटीपी कोड नहीं मिलती तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके अपने ओटीपी कोड को दोबारा से मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है यहाँ पे। तो अभी प्रोसेसिंग में है तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे रिफ्रेश या फिर कट नहीं करना है, आपको यहाँ पे वेट करना है। आपको अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे या कट करोगे तो आपका फॉर्म जो है कि फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो आधार कार्ड पे डेटा है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नाम वगैरह, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए हैं ओटीपी फिल करने के बाद। और यहाँ पे आपको फादर का नाम जरूर इंटर कर देना है तभी ये पेज आगे जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंटर करके रखा है। देन उसके नीचे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे दिस इज माय कम्युनिकेशन एड्रेस। तो सेम है तो ये इस पे रहने दो, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे आप जैसे ही नो पे क्लिक करोगे तो आपके नीचे इस तरह का एक फॉर्म ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो अगर आपका यस है तो आप यस पे रहने दो दीजिए। तो अगर मैं यस पे करूँगा तो वहाँ पर जो फॉर्म था वो हट गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देन तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन योर KVB डिलाइट लिमिट KYC अकाउंट इज ओपन, यानी कि मेरा अकाउंट जो है कि ओपन हो गया है। और यहाँ पे मुझे अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, ये सारा कुछ मुझे यहीं पे मिल गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएंगे विजिट योर होम ब्रांच टू कवर्ट इन टू द फुल KYC अकाउंट एनी टाइम बिफोर 365 डे टू इंजॉय। तो यानी कि आपको जो है कि इसमें KYC करवाना होगा, फुल KYC के लिए आपको ब्रांच में जाना होगा और ये आपको एक साल के अंदर में करना है। अगर आप एक साल तक इसमें फुल KYC नहीं करवाते हो तो आपका अकाउंट जो है कि बंद हो जाएगा। और यहां से आप मनी भी ऐड कर सकते हो। और यहां पे आपको दिख जाएंगे क्रिएट MPIN, यानी कि आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए आप यहाँ पर पिन भी क्रिएट कर सकते हो 6 डिजिट का। तो यही था इसका प्रोसेस। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग ऐप को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम और कस्टमर आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
सो गाइस नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड भेजा जाएगा जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ ओटीपी कोड आने का। तो मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड आ गया है, तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी कोड एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी कोड एंटर कर दिया है। अगर आपको ओटीपी कोड नहीं मिलती तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके अपने ओटीपी कोड को दोबारा से मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है ओटीपी कोड को। सो गाइस वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो यूज़र है सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपने एम पिन क्रिएट किया उस एम पिन को आपको यहाँ पे इंटर करना है 6 डिजिट का। तो चलिए मैं अपना एम पिन यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एम पिन इंटर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है 0 बैलेंस में ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 बैलेंस, और साथ ही साथ यहाँ पे आप UPI भी कर सकते हो। यहाँ पे UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हो, भारत पे, और यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको फास्टैग भी आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने को। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसमें और क्या क्या फैसिलिटी। यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएंगे माई प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने फ़ोटो को ऐड कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने एड्रेस को भी चेक कर सकते हो, और यहाँ पे आप ब्रांच को भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे होम ब्रांच डिटेल, तो यहाँ से आप अपने ब्रांच को देख सकते हो, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे अकाउंट्स डिटेल। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड, ये सारा कुछ आपको यहाँ से दिख जाएंगे। चलिए मैं इसको भी करता हूँ यहाँ से बैक, और एम पिन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ से आप रिचार्ज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख जाते हैं रिचार्ज, तो यहाँ से आप रिचार्ज भी कर सकते हो। तो चलिए, और यहाँ पे आपको दिख जाता है रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट पे आपको क्या क्या दिखता है, तो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या चीज़ अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं इसको भी करता हूँ बैक। चलिए मैं होम पेज पे वापस जाता हूँ। तो होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको और भी कुछ दिख जाते हैं। सो गाइस होम पे आने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। सो गाइस स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आप न्यू चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चेकबुक का सर्विस है, अलर्ट का है, SMS, ईमेल, और यहाँ पे रिवर्ड का है, और यहाँ पे कार्ड कंट्रोल, अपने डेबिट कार्ड को कंट्रोल में रख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे आपको दिख जाते हैं सर्विसेस। तो चलिए सर्विसेस में आपको क्या क्या चीज़ का सर्विस दी गई है यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अलर्ट रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका अनमोल रिवर्ड, चेकबुक सर्विस, चेंज ट्रांसफ़र लिमिट, यानी कि अपने लिमिट को यहां से घटा और बढ़ा भी सकते हो। और यहां पे आपको दिख जाते हैं ई स्टेटमेंट, आपका ईमेल का जो भी स्टेटमेंट है आप यहां से देख सकते हो। और यहां पे आपको दिख जाते हैं लॉकर डिटेल, और यहां पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट। तो यहां पे आपको बहुत सारी सर्विस भी आपको दी गई हैं, और किस तरह से आप इसमें 0 बैलेंस में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मैंने यहां पे किस तरह से 0 बैलेंस में अकाउंट को यहां पे ओपन किया है, और आपका जो डेबिट कार्ड है KYC के बाद ही आपके घर पर डिलीवर करवाएंगे। अगर आप KYC नहीं करवाओगे तो आपको इसमें डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। जब आपका KYC हो जाएंगे फुल सक्सेसफुली, तभी आपका जो डेबिट कार्ड है आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।